नमस्कार मित्रों, आरटीएस न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की खास खबर राजस्थान जोधपुर शहर से। राजस्थान के जोधपुर शहर में श्री राजेश्वर भगवान की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया पौधारोपण। आज राजेश्वर भगवान की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं व समाज के लोगों द्वारा व राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत व राजेश्वर भगवान के गादीपति दयाराम जी महाराज के कर कमलों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों द्वारा प्रदेश भर में चल रहे पर्यावरण संरक्षण व पौधारोपण अभियान के तहत आज श्री राजेश्वर भगवान की 78वीं पुण्यतिथि पर 78 पौधों का किया पौधारोपण। इस अवसर पर शिकारपुर के गादीपति दयाराम जी महाराज ने बताया कि जिस तरह दिन ब दिन बढ़ता प्रदूषण को रोकने की बात कही गई और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करने की बात कही और ऑक्सीजन की कमी के चलते मनुष्य जीवन व अन्य प्राणियों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ ही बिगड़ते हालात व वातावरण के कारण बारिश की कमी होने के कारण ही प्रदेश भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान किया जा रहा है। इसी के चलते आज हमारे राजेश्वर भगवान की 78वीं पुण्यतिथि के 78 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर चौधरी समाज के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल और विधानसभा क्षेत्र के पीसीसी सदस्य सवाराम पटेल, सिवाना विधानसभा क्षेत्र के पीसीसी सदस्य वालाराम पटेल, पाली के पूर्व सांसद लूणी विधायक महेंद्र विश्रोई सहित अन्य कई नेतागण व महिलाएं और चौधरी समाज के अन्य अधिकारी व दूर दराज से आए अन्य कई ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग उपस्थित रहे। रिपोर्टर लक्ष्मण आंजना, आरटीएस न्यूज राजस्थान। रात्रि में यहाँ पर जागरण था और आज यहाँ पर जो है प्रभु जी ने संत राजा राम जी महाराज साहब की अमर यादगार के निमित्त वर्षों से हमारी ये परंपरा रही है। ये जितनी जो गुरुदेव की पुण्यतिथि होती है उतने हर साल वृक्ष लगाए जाते हैं और आज के ताले कोई नहीं बजाना है। आज के इस पावन और इस शुभ अवसर पर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय विधायक किसानों के मसिया श्रीमान अशोक गहलोत जी के सुपुत्र वैभव जी जो वर्तमान में आरटीए के अध्यक्ष है, यानी युवाओं की वर्तमान में धड़कन है, युवाओं की जो इच्छाएं हैं वर्तमान में खेल कूद में आगे बढ़ने के लिए और वर्तमान में आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा कि अभी तो है वर्ल्ड कप टोक्यो में चल रहा है और ये सब भावना आपके प्रति है और आप सभी नौजवान युवाओं की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं और इनके भावनाओं का आपने सम्मान किया है, कदर किया है। आप आए हैं तो हम हमारे परम पूज्य में गुरु अर्जन राजाराम जी महाराज साहब थे, हमारे गुरु अर्जन देवाराम जी महाराज साहब थे एवं हमारे संत सीताराम जी महाराज साहब से प्रार्थना करते हैं कि जैसा आशीर्वाद आपके परिवार को हमारी जो चौथी पीढ़ी से जो आपको मिलता आ रहा है वैसा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, बरसता रहे और गुरुदेव आपके सर्वकामना ग्रहण करें। आगे किसी को नहीं बताया।